जैसे आप सभी को पता है कि हमारे जो वीडियोस बनती ना वो कमेंट के बेस पे बनती है, मतलब आप इस वीडियो में क्या कमेंट करते हो फिर उसी को उस टॉपिक को अगले वीडियो में लिया जाता है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो अपना कमेंट नीचे डाल दीजिए, अपनी प्रॉब्लम जो भी लिख दीजिए, उसको मैं रिप्लाई तो नहीं लेकिन मैं पढ़ के उसके ऊपर वीडियोज़ बनाता हूँ। अभी ये जो वीडियो बनने वाली उसी के ऊपर बनने वाली, मेरे हर वीडियो कमेंट के ऊपर ही बनती है, लोगों की जो डिमांड होती है उसके ऊपर मैं वीडियो लाता हूँ। अब एक्चुअल में मुझे कमेंट आया था, मैंने कमेंट पढ़ा था, एक इंसान ने मतलब एक बंदे ने कमेंट किया था, वो कमेंट ऐसा था, उसने लिखा था कि सर हमेशा 24 के लिए मेरे माइंड में मेरे थॉट्स उस इंसान के 24 घंटे खोने का डर है। मुझे पता है वो इंसान वैसा नहीं है, उस इंसान पे मुझे ट्रस्ट है या फिर उस इंसान का थोड़ी हरकतें वैसी है, जो भी चीज़ है वो इंसान के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ खोने का डर और नेगेटिव थॉट्स इतने परेशान कर रहे हैं, मतलब बार बार सब क्वेश्चन माइंड क्रिएट हो रहा है, बार बार वहीं पर फोकस लग रहा है, ना जॉब पर ना बिजनेस पे ना ड्रीम पे कहीं पर फोकस नहीं लग पा रहा है। 24 के लिए सिर्फ हम परेशान हो रहे हैं नेगेटिव थॉट्स को लेकर, बार बार 24 घंटे उस इंसान के बारे में खोने का डर, मतलब ऐसा क्या करिए जो खोने का डर हमारे माइंड में है ये चीज निकल के उसके माइंड में चले जाए। खोने का डर वो बिल्कुल नहीं, उसके अंदर वो बिल्कुल खोने से नहीं डर रहा है, हमें सिर्फ डर रहे उस इंसान को खोने से। बार बार हम थॉट्स ला रहे, बार बार हम परेशान हो रहे, सब क्वेश्चन माइंड या फिर पॉजिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी, उसके अंदर पॉजिटिवनेस कैसे क्रिएट करें, उसके अंदर खोने का डर फियर ऑफ लॉस कैसे उसके अंदर क्रिएट करें, यही चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विथ हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे व्यूअर मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, अगर आपको मेरे से कॉल पर बात करनी है स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा है, जाइए डायरेक्टली कॉल मत करिए। इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, व्हाट्सअप पे जाना है मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है मैसेज करना है, सर कॉल बुक करना है। कॉल बुकिंग के लिए चार्जेस होंगे, चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, छोटा सा चार्ज होगा, पे करके आप मुझसे कॉल बुक करके कॉल पे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेनी होगी, अपॉइंटमेंट के लिए आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। मुझे बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर मतलब ऐसा कुछ कर सकते कि हम जो खोने के थॉट्स हमारे अंदर 24 के लिए हम सिर्फ 24 घंटे उस इंसान के बारे में ज़्यादा सोच रहे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे, ऐसा क्या कर सकते कि सामने वाला हमारे लिए परेशान हो जाए, सामने वाले को हमारे से मतलब कुछ लेना देना तो हो ना, मतलब हम इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं 24 घंटे उसके थॉट्स लेके बैठे, हम मतलब खोने का डर फियर ऑफ लॉस काफी ज्यादा क्रिएट हो चुका है, 99% से ज्यादा मतलब सर के ऊपर जा रहा है पानी और मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूं, मेरे अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस क्रिएट हो चुकी, यही चीज उस इंसान के अंदर मैं लाना चाहता हूं, उसको भी मेरे होने ना होने का एहसास हो, उसको भी खोने का डर हो, यही चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं, अगर किसी इंसान को आपके लिए मतलब पॉजिटिवनेस क्रिएट करवानी तो हमें हमारी हरकतें चेंज करनी होगी। एग्जांपल देता हूँ, अब जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं वो इंसान के साथ क्या हो रहा है, सामने वाला इंसान उसकी हरकतें चेंज हो चुकी है, जब स्टार्टिंग में हम रिलेशनशिप में आए थे उस इंसान के साथ वो हमें टाइम देता था, हम भी टाइम देते थे, वो कॉल करता था, हम भी करते थे, मैसेज करता था, एनी टाइम हमारे लिए अवेलेबल रहता था। अब हो क्या रहा है, उसकी हरकतें चेंज हो गई। मैं आपको रियलिटी बताता हूं आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है। हम सामने वाले को कॉल कर रहे, अरे बिजी यार बाद में बात करते हो, थोड़ा सा ऑनलाइन रहता है, किसी और से बात करेगा नॉर्मली, या फिर लेट रिप्लाई देगा, या फिर उसकी हरकतें थोड़ी सी, एक्चुअल में भले वो ऐसा कुछ नहीं होगा उसकी लाइफ में लेकिन वो थोड़ा सा लेट रिप्लाई दे दिया या फिर लाइफ फैमिली में थोड़ा बिजी हो जाता है। कोई भी इंसान का किसी भी चीज़ में अगर नई कार ले रहा हूँ ना, कार में मेरा इंटरेस्ट 6 महीने के लिए रहेगा, फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वैसे उस इंसान का रिलेशन में बहुत इंटरेस्ट है, बाद में उसका इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा उसके फ्यूचर पर जा रहा है और हम क्या करते हैं ज़्यादा पॉजिटिवनेस क्रिएट कर लेते हैं। जब देखो रिलेशनशिप में ना एक इंसान ऐसा होता है जिसको फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसा होता है जिसको बहुत फर्क पड़ता है और यही चीज़ प्रॉब्लम होती है। क्या होता है कि सामने वाला अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, वो रिलेशनशिप भी चाहता है लेकिन वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है जितना हम होते हैं, और हम क्या करते हैं जितना हम सीरियस है उतना वो भी हो जाए, और इस चीज़ की वजह से हम हमारे रिलेशनशिप की बैंड बजा लेते, झंड करवा लेते अपने रिलेशनशिप को। सामने वाले को बार बार बोलते तुझे खोने का डर ही नहीं है, तू मुझे खोने से डरती नहीं है, मतलब मैं इतना ज़्यादा परेशान होता हूँ, तू बार बार लोगों से बातें करती है, तू मेरे को मैसेज का लेट रिप्लाई देती है, मेरे को कॉल नहीं करती, तेरा नंबर बिजी आता है, रात को कौन से फ्रेंड से बात करी, ये क्यों करती है, वो सारी चीजें हम इतनी कंप्लेंस करने लग जाते, हमारा जो नेचर है वो कंप्लेनिंग हो जाता है पूरी तरीके से, वो सामने वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर बना लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंस करते हैं, और इस चीज़ से लेकर सामने वाला इरिटेट होता है, वो बार बार समझाने की कोशिश भी करता है लेकिन हम समझते नहीं इस चीज़ को, और इस चीज़ की वजह से फाइट्स होती है और रिलेशनशिप में ब्रेकअप तक बात आ जाती है, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में जाते यार प्लीज़, फिर सब मेरे को कॉल आते, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते, फिर वीडियोज़ देखना स्टार्ट करते, फिर मतलब इसमें से कैसे निकले उसमें से कैसे निकले। अगर हम हमारे फीलिंग्स को उसी टाइम पर कंट्रोल कर लेंगे ना तो हमें ये चीज़ करने की जरूरत ही नहीं। हम सामने वाले को खोने का डर तभी ला सकते हैं। हमारे अंदर खोने का डर कब आया, पहले था जब स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में थे तब नहीं आया, क्यों, क्योंकि तब स्टार्टिंग में सामने वाला एनी टाइम अवेलेबल रहता था और हम भी रहते थे, हम ज्यादा सोचते नहीं थे, हम ज्यादा सीरियस नहीं थे, इस चीज के लिए हम नॉर्मली चलते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, खोने का डर इस
इसीलिए आ चुका है, पॉजिशनेस इसीलिए आ चुकी क्योंकि उसने थोड़ा सा अपने लाइफ में बिजी होने की कोशिश की और हमें सब कुछ इन माइंड क्रिएट होना, हम ज़्यादा फ्री हो चुके उस इंसान के लिए। हम क्या करें, काम धंधा जो भी चीज़ है उसको इग्नोर करके 24 hours उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि यार मतलब क्या कर रहा होगा, एक बार ट्राई कर लेता हूँ ना, नंबर बिजी तो नहीं आ रहा ना, अगर आ रहा होगा तो फिर किसी और से बात करे होगी, एक बार मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ ना, लास्ट दिन देख लेता हूँ ना, ये चीज़ कर रहे हैं। और इस चीज़ की वजह से देखो एक चीज़ अगर हमने, मुझे लगता है चलो हम क्या सोचते हैं, चलो एक बार देख लो तो इसके बाद नहीं देखूंगा, एक बार देखा फिर चलो एक बार फिर से फिर देखते हैं, फिर इंसान की जो एक बार ये फिर से ना ये भूख नहीं कभी मिटती और ये और की भूख कभी नहीं मिटेगी, अभी और एक बार देख लेता अभी और एक बार देख लेता, इस चीज़ को धीरे 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 करके इतना ज़्यादा हाइपर हो जाती कि हमारे माइंड पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने लग जाता है। एक तो फैमिली का भी प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें वो तो हम इग्नोर कर ही रहे, फैमिली को भी इग्नोर कर रहे, काम धंधा सब इग्नोर करके 24 hours इस इंसान के बारे में सोच रहे। एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे मैं हर वीडियोस में बताता हूँ, जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे वो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। और यही चीज़ जो है हमारे साथ, हम 24 hours अगर उस इंसान के बारे में सोचेंगे तो हमारे पास ज़्यादातर नेगेटिव थाट्स आएंगे कि यार मतलब नेगेटिव थाट्स ये परेशान करेंगे, यार किसी और से तो नहीं बात करी होगी ना, ऑनलाइन ही देखो ऑनलाइन इस टाइम पर आई थी, फिर तुरंत मैसेज, इस टाइम पर तो ऑनलाइन थी इतने मिनट के लिए किससे बात कर रही थी, ये चीज की वजह से हम इतना खोने से डरते उस इंसान को, मतलब उसको मौका ही नहीं देते, वो हमें खोने से डरे। अब मैं आपको एक्चुअल पॉइंट बताता हूँ, वो हमें खोने से इसीलिए नहीं डरता क्योंकि हम इतना खोने से डर रहे, इतना हम ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखा रहे कि सामने वाले को मौका ही नहीं मिल रहा, वो हमें खोने से डरे, उसको मौका तो दो कि वो हमें खोने से डरे। हम 24 hours के लिए देखिए हमें तकलीफ किस चीज़ से हुई, उसने हरकतें चेंज की, वो थोड़ा अपनी लाइफ में बिजी होने लगा इसीलिए हमें परेशानी हुई कि ये मतलब इंसान कर क्या रहा है, एक्चुअल में उसके माइंड में ऐसा कुछ होगा भी नहीं लेकिन वो अपनी लाइफ में सच्ची में बिजी हुआ है इसीलिए हमें परेशानी होती। खोने का डर यही होता है, पॉजिटिवनेस इसीलिए आते हैं, सामने वाले का इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, इंटरेस्ट कम नहीं होता लेकिन अपनी लाइफ में बिजी होना जरूरी समझता है और हम क्या करते हैं, हमारे प्यार को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सामने वाला नहीं चाहता, ये जो इंसान है वो नहीं चाहता और हम जबरदस्ती दिए जा रहे प्यार, इसीलिए सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमें क्या करना है, अगर हम अपनी लाइफ में बिजी है तो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें भी हमारी हरकतें चेंज करनी है, जब हमारी हरकतें चेंज होगी तब उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क जैसे आपके माइंड में लगा ना कि मतलब ये इंसान चेंज हो गया, इसको क्या हो गया, मतलब किसी और से तो बात नहीं करे ना, किसी और के पास तो नहीं चलेगी ना, या फिर कोई और तो नहीं मिल गया ना, या फिर किसी और से तो नहीं बात करी ना, ये टाइम मुझे मिलता था अब किसी और से तो नहीं बात करी, नेक्स्ट टाइम पे मैं कॉल करके देख तो लूँ ना, ये क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में लग गया, क्यों, क्योंकि उसकी हरकतें चेंज होगी। वैसे अगर हमारी हरकतें चेंज होगी, जब हमारे माइंड में उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क जाएगा, जब हम जो टाइम उसको देते तो टाइम देना बंद करेंगे, थोड़ा कॉल मैसेज करना बंद करेंगे, नंबर को थोड़ा बिजी रखेंगे, फ्रेंड से बातें करेंगे, घर पर मोबाइल पर फोन लगा के थोड़ा सा बिजी बना दो, खुद की लाइफ को बिजी बना दो, काम में ज़्यादा बिजी हो जाओ, जिम ज्वाइन कर लो, वो कॉल करा रहे यार थोड़ा सा बिजी बाद में बात करो, मेरे एक फ्रेंड का कॉल आ रहा है, मेरे फ्रेंड का कॉल आ रहा है यार थोड़ा सा बिजी, ऐसे दिखाना नहीं कि इग्नोर करो डायरेक्टली नहीं, बट इनडायरेक्टली दिखाना कि मैं मेरे लाइफ में बिजी हूं, तब जाकर उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क लगता है कि हाँ इस इंसान में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, और फिर वो कंप्लेंट्स करना स्टार्ट करेगा, जैसे हमारे माइंड में हुआ था ना। वैसे हम क्या करते हैं, खुद ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर अप्लाई कर लेते हो, हम खुद सब क्वेश्चन माइंड क्रिएट करके उसके पीछे भागते हैं, फिर वो पत्थर मार के भगाता है हमें। हमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें करनी, उस इंसान को दिखाना है कि हम हमारे लाइफ में बिजी है भाई। जब आप बिजी बन जाओगे ना तो उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगेगा, और उसके जो नेगेटिव थॉट्स, वो भी इंसान है ना, और उसको भी सब कुछ साइकोलॉजी वो सब उसके ऊपर भी अप्लाई होती है, तो उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क लगेगा कि इस इंसान को क्या हो गया है, और ये क्वेश्चन मार्क जो होगा उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा, फिर धीरे धीरे उसके माइंड में सब क्वेश्चन माइंड आएगा, सब क्वेश्चन माइंड क्रिएट होगा, हम थोड़ा और इग्नोर करना स्टार्ट करेंगे, ज्यादा कॉल मैसेज नहीं करेंगे, उस इंसान को अपनी बात शेयर करने के लिए ज्यादा टाइम मत दो, मतलब अगर मान लो कॉल पे बात हो रही तो इतना बात मत करो कि वो सारी बातें शेयर कर दे, तो उसके पास बचेगा नहीं कुछ बोलने के लिए, सब कुछ बातें उसके पास होनी चाहिए, वो आपको बताना चाहे लेकिन आपके पास सुनने के लिए टाइम ना हो, तब वो इंसान को काफी ज्यादा इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा कि मतलब इस इंसान को हो क्या गया, फिर वो झगड़ा करना स्टार्ट करेगा, उसके माइंड में सब क्वेश्चन माइंड क्रिएट होगा, खोने का डर भी आ जाएगा, तब इंसान आपके साथ आपके लेवल पर रहेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ हम ही भागेंगे, हम ही प्यार करेंगे, हम ही खोने का डर रखेंगे, तो उस इंसान को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होगी, इंसान बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यही चीज़ मैं आप सभी को लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर किसी इंसान को खोने का डर लाना है तो खुद के अंदर पहले पॉजिटिवनेस जो है, खोने का डर जो है, फियर ऑफ लॉस जो है, खत्म करनी पड़ेगी, तब जाके उस इंसान के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। और वो भी हमारी हरकतें चेंज होनी चाहिए, हमें 24 hours उस इंसान के लिए अवेलेबल नहीं होना है, जब हमारी हरकतें चेंज होगी, हमारा शेड्यूल चेंज होगा, तब अपने आप उसको क्वेश्चन मार्क लगेगा और उसके नेगेटिव थॉट्स जो उसको काफ़ी परेशान करेंगे, धीरे धीरे सब क्वेश्चन माइंड क्रिएट होगा, वो इंसान आपके पीछे भागना स्टार्ट कर देगा। एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरीके से होता है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करने के लिए इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, जाइए मुझे मैसेज करिए, कॉल बुक कर रहे हैं, कॉलिंग का चार्ज पे करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।